At an age when girls should be in school learning, they are tending to cattle, they are doing household chores, they're looking after the children themselves. They have no agency over their lives. मैंने 8वीं पास करने के बाद मुझे पता ही नहीं था कि मैं आगे पढ़ पाऊंगी. मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी कि मैं अब कभी पढ़ूंगी. मेरा नाम गुड्डी पटेल है. मैं यहाँ पाली जिले में रहने वाली हूँ और 8वीं तक की स्कूल थी हमारी यहाँ और 8वीं तक ही पढ़ी. फिर बाद में हमारी शादी हो गई. It became much more severe during the COVID pandemic. Child marriage rates spiked. It had a devastating impact on adolescent girls. That's how the idea was born. To give girls a second chance at learning. To address the needs of the girls beyond the 8th grade, we launched Project Pragati. Project Pragati एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे एक महिलाओं और एक किशोरी बालिकाओं को लेकर काम करता है. अब इनके 8th तक तो इनकी पढ़ाई हो चुकी है. कोई 7th पास है, कोई 6th पास है. फरजाना जी को पता है कि गुड्डी बेटी है, तो ये मेरे पास आई, मेरे को बोला, फिर मेरे को समझाया, मेरे मम्मी पापा को भी समझाए कि इसको फॉर्म भरो. इन्होंने मेरे को हौसला दिया. रोड जाके हम मेरा पूरा डॉक्यूमेंट बनवाया और मेरी हेल्प करके मेरा फॉर्म भरा और मेरे को 10वीं में एडमिशन दिलवा दिया. द गोल ऑफ प्रगति इज टू बिल्ड एजेंसी ऑफ द गर्ल्स सो दे कैन टेक कंट्रोल ऑफ देयर डिसीजंस एंड लाइफ चॉइसेस. And we do this by enabling access to quality education through open schools and by connecting them to skilling and livelihood opportunities. We conduct learning camps in the villages at the doorstep of the girls. The camp is run to provide support for exam preparation, but the camps do so much more than that. They are a safe space where girls can come every day and they can be themselves, they dream, they aspire, and they build their confidence. प्रोजेक्ट प्रगति से मैं जुड़ी तो हमारी एक दिन का ओरिएंटेशन भी हुआ था. उसके बाद में 3 दिन की ट्रेनिंग हुई हमारी, कैसे उन लड़कियों को कैंप तक लाना है, कैसे उनकी पढ़ाई होगी, कैसे कौशल पे लेके बात करोगे. द गर्ल्स फ्रॉम अ कैंप आर सपोर्टेड बाय अ प्रेरक. द प्रेरक इज अ कंपैशनेट एडल्ट फ्रॉम द कम्युनिटी हु कैन बी देयर एडवोकेट, देयर मेंटर एंड देयर गाइड. अ प्रेरक सपोर्ट्स गर्ल्स इन एक्वायरिंग देयर 10th ग्रेड क्रेडेंशियल. हमारे एक कैंप खुलते हैं, उसमें 3 घंटे पढ़ाई रहती है. उसके अलावा उसके साथ साथ में कौशल भी सिखाते हैं हम उनके लिए. इनके जो हॉबीज़ है उनके बारे में भी बात करती हूँ और इनके साथ में हमेशा एक फ्रेंडली व्यवहार रहता है, तो इनको अच्छा लगता है, मुझे भी अच्छा लगता है. वी ऑल्सो वर्क एट डेवलपिंग द 21st सेंचुरी स्किल्स, स्किल्स लाइक कम्युनिकेशन स्किल्स, डिजिटल लिटरेसी, फाइनेंशियल लिटरेसी and other soft skills to increase their employability potential for them to be able to generate livelihood opportunities for themselves. mere mann mein aisa hai ki main silai teacher ban jaun, mere paas aur bhi silai seekhna aayegi to wo bhi aage badhegi. main meri dukaan badhana chahti hu isliye kyunki mere gaon mein ek hi dukaan hai. main 10th pass ho gayi to mujhe loan mil sakta hai to dukaan ko aage badhane ke liye samaan khareed sakti hu. खुद के निर्णय भी थोड़ा बहुत लेने लग गई है. बात भी करती घर पे, बोलती भी है कि हम आगे पढ़ेंगे, आगे क्या अभी हम शादी नहीं करेंगे. मेरे अलावा मैंने रोड ब्लॉक में प्रोजेक्ट प्रगति के 30 कैंप चल रहे हैं. यहाँ आके मेरा विश्वास एकदम सही हो गया कि मैं कुछ कर सकती हूँ. मेरी बच्ची खुद बोल रही है कि मैं कलेक्टर बनना चाहती हूँ, तो मेरे भी मन में है कि मैं उसका साथ दूँ और उसको पढ़ाऊँ और आगे बढ़ाऊँ. प्रगति मीन्स प्रोग्रेस. And for us, true progress will only be achieved when every girl in every village is enabled to achieve her true potential.